एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आकर्ष ब्लॉग्स। तो आज ये एक रेस्टोरेंट ब्लॉग होने वाला है जहां हम कवर करने वाले हैं द चॉकलेट रूम को। द चॉकलेट रूम के बारे में आप में से शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता है, बिकॉज ये एक ऐसी जगह है जहां आपको चॉकलेट में हर एक वैरायटी मिलने वाली है। एंड हर किसी के घर में ना आपको एक ना एक चॉकलेट लवर तो ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज इस चॉकलेट रूम के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं यहाँ की कुछ खास बातों के बारे में। और वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें। तो भाई आज हम आ चुके थे द चॉकलेट रूम में, जो कि ये जो ब्रांच है ये वेस्ट साइड के ठीक ऑपोजिट जो एड स्क्वायर मॉल है उसके फर्स्ट फ्लोर पे है। एड्रेस जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ आराम से जा सकते हो। तो यहाँ पे ये एक कैफे स्टाइल में बनाया हुआ है जिसमें जो इसकी इंटीरियर्स की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा इंटीरियर्स है यहाँ का। आप देख लो यहाँ बहुत ही कोजी सा एनवायरनमेंट है एंड कॉलेज जितने भी कॉलेज गोइंग गोअर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है हैंग आउट करने के लिए, फ्रेंड्स के लिए बहुत ही अच्छा स्पेस है हैंग आउट करने के लिए। इनफैक्ट जो चॉकलेट जिनको भी बहुत पसंद है ना, यहाँ उनको चॉकलेट की हर एक वैरायटी मिलने वाली है। अगर आप किसी को चॉकलेट गिफ्ट करने का सोच रहे हो तो यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारे प्यारे से इस तरह के गिफ्ट बॉक्सेस में चॉकलेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे पेस्ट्री की भी एक से एक वैरायटी है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये आप देख लो कितनी खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे सजा के रखा हुआ है, चॉकलेट शॉप लिखा हुआ है एंड इनका एक काउंटर बना हुआ है अलग सा, जो कि स्पेशली चॉकलेट्स में जो भी वैरायटीज़ हैं अलग अलग उनको गिफ्ट बॉक्स में रैप करके रखा हुआ है। आप ईजिली यहाँ आओ, एक डब्बा उठाओ और आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ आ जाते हैं, तो इस सेक्शन में इनका पेस्ट्री सेक्शन है एंड चॉकलेट सेक्शन ऑफ कोर्स है। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स के आपको केक्स एंड पेस्ट्रीज आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ पे केक्स ऑर्डर भी कर सकते हो, किसी के बर्थडेज हुआ या फिर किसी भी ओकेजन के लिए आप यहाँ पे केक ऑर्डर कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप देख लो यहाँ पे चॉकलेट की कितनी सारी वैरायटीज़ हैं, वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, नॉर्मल चॉकलेट, आपको हर तरह के चॉकलेट में यहाँ पे वैरायटीज़ मिलने वाली हैं। डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में भी आपको यहाँ चॉकलेट मिल जाएंगे। यहाँ पे पेस्ट्रीज रखे हुए थे और मैं बताऊँ हमने यहाँ पे पेस्ट्री ऑर्डर किया था नॉर्मल, मैं वो आपको दिखाऊँगी, बट इतना फ्रेश पेस्ट्री यहाँ पे आपको मिलता है ना जो कि आपको शायद ही कहीं और मिले। आप यहाँ से अगर आके अभी तक आपने ट्राई नहीं किया है तो आप ज़रूर से ट्राई करिए। इधर आप देख लो इनका चॉकलेट सेक्शन है और काफ़ी सारे खूबसूरत से गिफ्ट बॉक्सेस में रैप करके रखे हुए हैं। तो अगर आप यहाँ से ऑर्डर करना चाहते हो, कोई भी ऑर्डर आप प्लेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अच्छा वैसे यहाँ पे इधर ब्राउनी सेक्शन आपको दिख जाएगा और यहाँ पे ना आप अगर ड्राई फ्रूट्स वगैरह का गिफ्ट बॉक्सेस आप चाहते हो ना तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो आपको एक बार ही चेक करना होगा वेदर अवेलेबल है या नहीं है, आप उसी अकॉर्डिंगली ड्राई फ्रूट्स भी ऑर्डर कर सकते हो यहाँ से। तो भाई इधर आ गया इनका मेन्यू और हमने ऑर्डर किया था चोको फ्रापे विथ फ्रेश क्रीम। और यहाँ पे आप विथ आइसक्रीम भी ऑर्डर कर सकते हो या फिर आपको प्लेन चोको फ्रैपे चाहिए आप वो भी ऑर्डर कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे शुगर कहीं कहीं ना चोको फ्रैपे में इतना ज़्यादा चीनी डाल दिया होता है उन्होंने कि फिर आप उसे इन्जॉय नहीं कर पाते, बट यहाँ पे चीनी बहुत ज़्यादा नहीं है, एकदम राइट अमाउंट में है। प्लस इन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया था तो मुझे पर्सनली स्ट्रॉन्ग फ्रैपेज पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इनको बोल सकते हो स्टार्टिंग में ही कि आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना करें, आप थोड़ा कम ही स्ट्रॉन्ग रखें, तो वो आपके अकॉर्डिंगली उसको कस्टमाइज़ करके बना के आपको देंगे। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे डिश की ओर। तो दूसरी तरफ हमने ऑर्डर कर लिया था चोको चिप पेस्ट्री विद चॉकलेट सॉस। और ये चॉकलेट सॉस हम अगर आप नहीं भी बोलोगे ना तो भी वो चॉकलेट सॉस पोर कर देते हैं ऊपर से एंड पेस्ट्री आपको गर्म करके ही देंगे। वैसे तो आई एम नॉट अ वेरी बिग पेस्ट्री फैन, लेकिन जब पेस्ट्री गर्मा गर्म माइक्रोवेव से निकल के आई हो और वो जो खुशबू थी ना एंड ये ग्लेज देख रहे हो आप चॉकलेट का, ये कमाल की लग रही थी। देखने में जितनी खूबसूरत दिख रही है खाने में उससे ज़्यादा खूबसूरत थी एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी थी। अगर आप जाते हो ना तो इनकी पेस्ट्रीज आप ज़रूर ट्राई करिए, बिकॉज अगर आप उसमें से एक्स्ट्रा सॉस ऑर्डर नहीं भी करते हैं चॉकलेट सॉस तो फिर भी ये लोग डाल के देते हैं एंड बड़ा टेस्टी सा पेस्ट्री इनका रहता है और फ्लेवर बहुत ही परफेक्ट रहता है। सो द एंड दैट स्मेल, द अरोमा ऑफ द पेस्ट्री, बहुत ही फ्रेश पेस्ट्री की जो अरोमा होती है वो आपको हर जगह नहीं मिलेगी, बहुत ही कम जगहों पर मिलती है। तो अगर आप यहाँ आते हो ना तो आप इस डिश को ट्राई करना तो बनता है। हम लोग सिर्फ 3 लोग थे बट हमने बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया था, बिकॉज़ ये टेस्टी जितनी है ना
उतनी ही स्वीट है, स्वीट चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई नहीं जाती हैं, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया था, हमने बहुत लिमिट में ऑर्डर किया था। सो, अगर आप भी लिमिट में ही ऑर्डर कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा हैवी हो जाता है व्हेन यू ईट इट। और हमने शेयर किया था 3 लोगों में, लेकिन अगर आपको और मंगवाना है तो बेशक आप मंगवा लें, लेकिन उसे वेस्ट करना इज़ डेफिनेटली नॉट अ गुड आइडिया। सो आप स्टार्टिंग में जो है ना थोड़ा लिमिट में ही मंगाएं, और उसके बाद अगर आपको और चाहिए है तो फिर आप और मंगा लें, क्योंकि जितना फ्रेश खाओगे ना उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए अब आ जाते हैं हमारी अगली डिश की तरफ, जो कि थी पेने पास्ता, और वो हमने ऑर्डर की थी मिक्स सॉस में। तो वैसे हर सॉस में अवेलेबल था, वाइट सॉस एंड टैंगी टोमेटो सॉस में भी अवेलेबल था, बट हमने ऑर्डर किया था मिक्स सॉस में। इसमें इन्होंने कैप्सिकम ऐड करा था, और भी अलग अलग कलर्स के बेल पेपर थे, प्लस कॉर्न था, प्लस इन्होंने ऊपर से चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो स्प्रिंकल कर दिया था। साथ में एक्स्ट्रा भी हमें ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स मिली थी, तो वो अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो। वैसे पास्ता बनी तो बहुत अच्छी थी, बट अगर आप भी यहाँ पे विज़िट करने वाले हो एंड यही वाली पास्ता अगर आप ऑर्डर करने वाले हो, और मेरी तरह आपको थोड़ा स्पाइसी सा पास्ता पसंद है, या फिर ये कह लो कि पास्ता में मिठास नहीं पसंद है, तो आपको इनको पहले से एक बार ही बोलना पड़ेगा, कस्टमाइज़ कर देना होगा अपना ऑर्डर, सो दैट ये लोग ना कुछ मीठा ऐड ना कर दें। मीठा मुझे लगता है वो जो वाइट सॉस इन्होंने मिक्स किया होगा उसकी वजह से मिठास आ गई हल्की सी, तो अगर आप उनको बोल दोगे तो वो आपका पास्ता जो है ना वो थोड़ा स्पाइसी करके ही लाएंगे, तो ये आप स्पेसिफिकली मेंशन कर देना उनको। यहाँ पे आप देख लो कितना क्रीमी सा पास्ता था, और बहुत ही परफेक्टली कुक हुआ हुआ था, ये ना कम ना ज़्यादा, बाकी सारी चीज़ें ठीक थी, बस वो जो थोड़ा सा एक मिठास था वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा पर्सनली। तो ये था हमारा द चॉकलेट रूम का व्लॉग। अगर आपको भी पसंद आया हो, आप अभी तक चॉकलेट रूम विज़िट नहीं किए हो अभी तक, तो मैं तो बोलूँगी एक बारी आपके नियरेस्ट जो भी आपके घर के आसपास जो भी चॉकलेट रूम है ना, आप वहाँ ज़रूर से जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको चॉकलेट लवर अगर आप हो ना तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, एंड मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा।